नमस्कार असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है समाचारों के अनुसार अभी उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए ख़ासकर जो पाकिस्तान सा लगा इलाका है जैसे जम्मू कश्मीर पंजाब और उसके अलावा दिल्ली में भी ऐसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ पर एक भूकंप का एपी सेंटर माना जा रहा है पहले एस्टिमेट किया जा रहा था कि तीव्रता जो है वो सेवन पॉइंट सेवन थी लेकिन बाद में फिर ऐसा लग रहा है कि सिक्स पॉइंट फाइव है तो जो तीव्रता है वो कम हो गई है जो अच्छी बात है क्योंकि हमने देखा है कि सेवन पॉइंट एट की तीव्रता तुर्की में और सीरिया में जो भूकंप आए थे उससे क्या तबाही देखने को मिली है तो इसीलिए अभी आ, जस्ट कुछ घंटों पहले ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है एक तरह से और आप देख सकते हैं कि लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये पाकिस्तान का इलाका है और ये तो पहले ए पे ही न्यूज़ आ चुकी थी लेकिन ये दो घंटे पहले की बात है उसके साथ ही जो ये लोग बाहर निकले हुए हैं ये शायद भारत का ही इलाका या पाकिस्तान का भी हो सकता है कहने कह नहीं सकते और ये तो पाकिस्तान का ही इलाका है ये शेयर ये किसी पाकिस्टान ने पाकिस्तान के रिपोर्टर ने शायद शेयर किया ए आर आई न्यूज वाले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंगों में क्रैक आ चुका है जो कि अच्छी बात नहीं है लेकिन बात ऐसी है कि जैसे सिक्स पॉइंट फाइव तीव्रता नापी गई तो उससे फायदा होता है कि ज्यादा बिल्डिंग्स जो है वो हिलती नहीं है और वो उसी समय गिर नहीं जाती है तो लोगों को भागने का मौका मिल जाता है उसके अलावा ये पंखे भी कुछ हिल रहे हैं ये भारत में ऋचा अनिरुद्ध हैं जो कि एक ना, नामी ग्रामी आ, एंकर है टीवी पे तो अपने घर की उन्होंने तस्वीर दी है जहाँ पे सीलिंग के साथ जो भी उनके लाइट्स हैं और पंखे वो हिल रहे हैं ये नोएडा के लोग बाहर निकले हुए हैं तो ये भी बताया जा रहा है क्योंकि नोएडा में बहुत ऊंची-ऊंची बिल्डिंगे हैं इस वजह से ये बाहर निकल आए हैं और यही जो है यहाँ पे फैजाबाद बताया जा रहा है अफगानिस्तान में लोकेशन ये एक और वीडियो है जो कि वही दीवारों पे क्रैक्स के निशान उसके साथ लोग बाहर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनकम्फर्ट फर्म्ड फोटोज फ्राम पाकिस्तान आफ्टर स्ट्रॉन्ग अर्थ को एक तो ये अनकम्फर्मड है क्योंकि असल में ये जो इलाका है ये आपका स्वाथ वैली पेशावर जो है नॉर्थ का पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का इलाका है तो ये पहले एस्टिमेट किया गया था सेवन पॉइंट सेवन जो कि अभी कम हो गया है और ये बिल्डिंगें हिलती नजर आ रही हैं कैमरे में इनको कैद किया गया है और ये कश्मीर की तरफ से एक वीडियो आया है जहाँ पे हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था प्रेग्नेंट महिला पे और उसी समय ये ऑपरेशन बाद में कंटिन्यू ही कर दिया गया यहाँ पे भी कश्मीर की बात है श्रीनगर की है शायद वहाँ पे भी लोग बाहर निकले हैं उसके साथ ही और भी इस तरह के न्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि बाहर आके निकले हुए हैं अब इसके कुछ कारण हैं जिसके कारण लोग बाहर आके निकले हुए ये इस्लामाबाद का इलाका है जो कि पाकिस्तान का पाकिस्तान की राजधानी है और ये देख सकते हैं बाहर से ही क्रैक नजर आ रहे हैं बिल्डिंग्स पे काफी बड़े बड़े क्रैक्स हैं लेकिन बिल्डिंगें तबाह नहीं हो रही हैं अब ये एक एंकर है जो भूकंप के समय भी संयम बढ़ता है पेशेंस रखा और ये दौड़ के बाहर नहीं गया और रिपोर्टिंग कर रहा है जो एंकर का जॉब है अपना वो कर रहा है अब बात ऐसी है, है कि जो भूकंप के इलाके हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है तो ये आपका भारत है जो कि गिलगित बल्तिस्तान अभी पाकिस्तान के कब्जे में है ये पाकिस्तान है और ये जो अफगानिस्तान का इलाका है यहीं पर भूकंप आया है तीव्रता अभी छः दर्शाया जा रहा है जो कि पहले एस्टिमेट किया गया था सेवन पॉइंट सेवन तो खैर फिर भी बहुत ही ताकतवर भूकंप है अब इसमें एक बात देखने वाली है कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है लोगों को एडवाइस दिया जाता है कि आप भूकंप के समय क्या कर सकते हैं क्या नहीं करना चाहिए तो पहले जो आप वो स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि कैसे अपने बिल्डिंग्स को आप सेफ़ बना सकते हैं सेफ़ रख सकते हैं लेकिन जब भूकंप आए उस दौरान क्या करना चाहिए तो संयम संयमता तो आपको बढ़तनी ही है पेशेंस आपको रखना है आप कूल माइंड होना चाहिए पैनिक में आप ना रहे उसके अलावा अगर आप बिल्डिंग में हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ऊंचे बिल्डिंग्स में तो आपको भागने के लिए टाइम नहीं मिल सकता है और इस वजह से हो सकता है कि आप अपने फ्लैट में ही रहें और उस मामले में अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग टेबल है या इस तरह का काउंटर टॉप है इस्ट्रॉन्ग उसके नीचे आप अपने सर को बचा के रह सकते हैं क्योंकि जो गिरेंगी चीज़ें वो ऊपर से ही गिरेंगी तो इसीलिए सर को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद दौड़े नहीं और जहाँ तक हो सके वो लिफ्ट में आप बिल्कुल भी ना जाएं आप सीढ़ियों से ही उतरे इसीलिए कहा गया है कि ऊंची बिल्डिंग में आप रहें तो आप टेबल के नीचे जाएं और नहीं तो आप अगर बाहर निकल सकते हैं तो सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें लिफ्ट आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें ये पूरी तरह से नॉट के श्रेणी में रखा गया है उसके साथ जो है बाहर आप निकल जाते हैं तो किसी बिल्डिंग के साइड में ना खड़े हों या किसी दीवार के साइड में ना खड़े हों वो अगर वो दीवार गिरती है तो आप उसके नीचे आ सकते हैं खम्भों के साथ भी आप ना रहें खंभों से दूरी बनाए रखें खासकर जो बिजली वाले खंबे होते हैं क्योंकि उनके जो लाइट होती है मतलब जो भी वायर होती है उसमें पावर रहता है तो पावर लाइन को अवॉइड करना ज़्यादा जरूरी है अगर आपके पास कार है आपके पास कोई व्हीकल है तो आप उसको लेके तुरंत ही किसी ऐसे ऐसे एरिया में चले जाए जो कि ओपन फील्ड हो तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा एडवाइस दिया गया है लोगों को और इसको ज़रूर फॉलो करें और उसका कुछ कारण भी है क्योंकि आपको ये फॉलो क्यों करना चाहिए तो बात ऐसी है कि हमने अभी तुर्की का भूकंप देखा है ये हमारे मेमोरी में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है क्योंकि वो इसी साल आया है और कैमरों में भी कैद हुआ और उस पर बहुत ज़्यादा क्योंकि ये एक तरह से मेजर इवेंट है आ, सोशल मीडिया के टाइम का तो इसीलिए बहुत उसकी तस्वीरें हमने देखी हैं और उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ भी हमने देखा है ख़ासकर ये होता है कि तीव्रता जो थी भूकंप की वो सेवन पॉइंट एट थी लेकिन ये एकमात्र झटका नहीं था इसके अलावा भी सात तीव्रता वाला भूकंप आया उसके बाद 6.8 उसके बाद सिक्स तो इस तरह से सीरीज वाइज वो भूकंप के झटके आते रहे अब ये झटके तो आते हैं उसके अलावा सौ से अधिक आफ्टर शॉक भी आता है तो ये भी देखने वाली बात है और इसीलिए लिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवेस्टेशन देखने को मिली है क्योंकि एपी सेंटर जो था वो भी उसी इलाके में था जहाँ पे लोगों की हताहत होने की बात निकल कर सामने आई है तो सेवन पॉइंट एट बहुत ही बड़ा एक मैग्नीट्यूड का भूकंप माना जाता है और इससे पहले भी पाकिस्तान में ही पहले भी भूकंप आ चुके हैं ये आपका बलूचिस्तान का भूकंप था 2013 की बात है ये भी आप देख सकते हैं कि तीव्रता है जो है वो 7.7 है तो लगभग तुर्की के बराबर है लेकिन जो डेथ थी वो एट एट ट्वेंटी फाइव यानी आठ सौ पच्चीस लोग ही यहाँ पे मरे थे और उसका कारण ये है कि जो बलूचिस्तान है वो बहुत ही डेजर्ट माउंटेनस इलाका है जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है फिर ये बहुत ही बैकवर्ड इलाका भी है तो इसीलिए लिए यहाँ के जो मकान है वो बहुत बड़े बड़े बहुत ऊँचे ऊँचे विशालकाय मकान नहीं है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा देखने को नहीं मिलता है तो इस वजह से वहाँ पे जान माल का उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है जबकि तीव्रता फिर भी सेवन पॉइंट सेवन थी इसके अलावा आज से लगभग पंद्रह साल पहले कश्मीर में आया था जो कि पाक अकुपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भी तीव्रता सेवन पॉइंट सिक्स थी और इसमें जो हताहत लोग हुए थे वो छियासी से सतासी हजार लोगों के मरने की बात बताई जा रही है और उसके साथ ही 28 लाख लोग जो थे वो घरों से बेघर हो गए थे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कैजुलिटी देखने को मिली थी और अभी ये आ, आ, आज आज का ये भूकंप है तो ये बात जरूरी है आपको देखना कि ये पहला झटका हो सकता है और हो सकता है ये आखिरी झटका भी हो लेकिन ऐसी भी बात हो सकती है कि कई ऐसे और झटके देखने को मिले क्योंकि जो भूकंप की संभावनाएं हैं वो पहले से अवगत अवगत नहीं कराया कराई जा सकती है जैसे कि हमने बाढ़ के समय देखा है सूखे के समय देखा है या और इस तरह के प्राकृत प्राकृतिक आपदा जो होती है साइक्लोन के समय तूफान ये सारे मामलों में हम पहले से अवगत करा सकते हैं लेकिन भूकंप के मामलों में हम पहले से अवगत नहीं हो सकते हैं ऐसा कोई अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं निकली है अब चूंकि वहाँ पे तुर्की में आया है तो कहा जा रहा था कि इसके अलावा भी कई जगह भूकंप आ सकते हैं और ख़ासकर भारत का इलाका जो है वो भी बहुत ही सेंसिटिव जोन में आता है रेड जोन माना जाता है ख़ासकर नॉर्थ उत्तर और ईस्टर्न यानी पूर्वी भारत का इलाका जो हिमालय के जो भी एरियाज में आता है वहां पे भूकंप आ सकते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोई एक या दो भूकंप केसेस नहीं है या तुर्की हो या फिर पाकिस्तान में अभी लेकिन ऐसे बहुत सारे भूकंप के केसेस हमें देखने को मिले हैं और ये यू एस जियोलॉजिकल सर्वे यानी गवर्नमेंट की साइट है उनके तरफ से ये डेटा दिया गया आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे भूकंप आपको देखने को मिलेंगे लिस्ट है पूरी लिस्ट है और इसमें सबसे बड़ा भूकंप का जो था वो यही सेवन पॉइंट एट जो है वही था तो उसके अलावा भी इतने सारे ये मैं 2013 की सॉरी 2023 की बात कर रहा हूँ यानी इसी साल ये सारे भूकंप के झटके देखने को मिले हैं बड़े बड़े भी हैं छोटे भी हैं तो इसमें एक और अब लिस्ट में नाम जुड़ गया है पाक अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए हैं क्योंकि ये सारे अफ़ग़ान के जो पड़ोसी देश हैं तो अफगान एपी सेंटर रहा और यहाँ पे सारी जगह वो झटके महसूस किए गए अब देखते हैं कि कल सूरज निकलने के बाद कैसा माहौल रहता है उम्मीद है कि जानमाल का नुकसान ना हुआ ज्यादा से ज़्यादा लोग सेफ हों और पाकिस्तान का जो नॉर्थ का इलाका है वो वहाँ देखने वाली बात होगी क्योंकि वो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ इलाका है पहाड़ी इलाका भी है खासकर पेशावर स्वात वैली इन सबों के जगहों पे कैसे कैसी स्थिति बनी रहती है और पाकिस्तान के साथ एक और प्रॉब्लम ये अभी देखने को मिली है कि 2022 में भी वहाँ पे एक बड़ी सी प्राकृतिक आपदा आई थी बाढ़ के रूप में और वहाँ इतने लोग मरे थे हजारों के हजारों वहाँ में मर गए थे साथ में लाखों लोग बेघर हो गए थे अब स्थिति क्या है पाकिस्तान की तो वहाँ की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है वित्तीय स्थिति वहाँ बहुत दयनीय है उसके अलावा वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ के राजनीति जो है वो पूरी तरह से अनस्टेबल है तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है लोग जो राजनीति कर रहे हैं या जो पावर में है उसमें वहाँ की आर्मी भी शामिल है वो एक दूसरे के साथ ही टसल कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें न्यूज़ सुनने को ये मिलती है कि पाकिस्तान आज इनके पास गया भीख मांगने के लिए और भीख का शब्द पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ही इस्तेमाल किया है तो मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा उसके अलावा आईएमएफ से भी वो लोन लेना चाह रहे हैं जो कि उन्हें उन्हें नहीं मिल रहा फिर इमरान खान का पूरा चक्कर चल रहा है तो अगर वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अफसु असुविधाएँ देखने को मिलेंगी क्योंकि वहाँ की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है उन्होंने बाढ़ के समय में भी कोई आ, ठीक तरह से काम नहीं किया था अब लोग कह रहे हैं कि भारत को मदद भेजनी चाहिए अगर स्थिति में आती है क्योंकि तुर्की में हमने मदद भेजी थी लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि बाढ़ के समय में भी भारत के प्रधानमंत्री के तरफ से एक ट्वीट किया गया था जो बस संवेदना दिखाने के लिए था और पाकिस्तान में जो उन्होंने नेगेटिव बनाया अरे भागे जो भारत है वो हमें मदद करने की पेशकश कर रहा है और हम पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ के नेता और सारे लोग बोल रहे थे कि हम भारत से कुछ भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो दुश्मनी और कश्मीर का इशू हमेशा से रहा है तो अब देखने वाली बात है कल हमें पता चलेगा कि क्या स्थिति है और अभी के समय में भी जो लोग हैं वो उम्मीद करता हूँ कि घरों में रहें तो सेफ रहें सावधान रहें कई और झटके महसूस हों उसके लिए तैयार रहें और अपने सेफ्टी का अपने पैसेज का जो भी एस्केप है वो भी तैयार रखें तो जान माल का कम से कम नुकसान होगा अगर आपको लगता है कि आपका घर अब डेंजर जोन में आ चुका है क्रैक्स बहु, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रह गए उस घर को मेंटेन रखने के लिए तो आप ज़रूर बाहर निकल जाएं कोई और इसमें आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए तो ये देखना जरूरी है तो चलिए अब अगले वीडियो में अपडेट करेंगे क्या इसमें हालत रहे अभी के लिए इतना ही तब तो तक के लिए नमस्ते जय हिंद